जी लक्ष्मी मैया की हम पे कृपा हो गई है, अब ऐसे बिल्कुल अब ऐसी लक्ष्मी मैया पूरे साल हमारे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल चिब्बस। तो जैसे सबको पता है आज है दिवाली, तो आप सबको कूल चिब्बस की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली के साथ साथ आज है ईशु का बर्थडे, तो आज बहुत काम है, दिवाली का भी है सेलिब्रेशन और ईशु के बर्थडे का भी है। तो बस सबसे पहले जो है अपने रूम की सफाई करती हूँ, फिर फटाफट चलते हैं नीचे। तो आप देख सकते हो रूम अभी ऐसा है और बस अब इसको क्लीन करना। तो आपने मेरे जो कल का व्लॉग है वो देखा होगा, आपने उसमें कर्टन देखे होंगे जो मैं लेके आई थी, तो लगने के बाद ये ऐसे लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। तो जी बस अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये कर्टन्स हैं और ये मेरी बेडशीट, ये भी मैं लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में, और आप देख सकते हो ये भी बहुत सुंदर लग रही है। तो जी रूम जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इतनी मेहनत करी है, अच्छा तो लगना ही चाहिए। और आप देख सकते हो एक रूम मेरा ये है, इसे मैं गेस्ट रूम बोलती हूँ, कोई गेस्ट आएगा तो ये मैंने उसके लिए एक रूम जो है अपना रेडी करा हुआ है, और इस पर भी बेड शीट वगैरह मैंने नई लगा दी है। तो जी बस बाकी घर तो आपने देखा ही हुआ है, चलिए अब फटाफट चलते हैं नीचे और देखते हैं आज नीचे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए भाभी और भाई क्या कर रहे हैं। तो जी आज है मेरे ईशु बेबी का बर्थडे। विश यू आर वेरी हैप्पी 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 बर्थडे ईशी। थैंक यू। पहले पन्नी हटाओ नीचे से। चॉकलेट और मैं नहीं खाता। तो ये मेरे ईशी का बर्थडे केक। चलिए जी ओए होए ईशु। ईशु बलून मैन। चलो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे खिलाओ इसको, खिलाओ भैया को काट के। सबसे पहले किसको खिलाओगे? सबसे पहले खिलाऊंगा पापा को, दोनों को। अच्छा जी आज मम्मी को भी खिला रहा है पापा के साथ, कमाल हो गया बेटा। नहीं नहीं भाई, रानी कहाँ गई? हाँ रानी गई तो वो पहले और कहाँ आ गया रानी। आपकी बारी। कुछ भी नहीं करें, केक देख के आप ही आएं। ओ हम तो यही आएंगे। ये ईशु और ईशु के पिज्जा। ईशु आपके लिए तो बहुत सारे पिज्जा आए हैं। नहीं पहले दिखाइए कौन कौन से हैं। ये है टमाटो पिज्जा। अच्छा और ये है, ये कौन सा है? ये है कॉर्न पिज्जा शायद। हाँ और ये है कौन सा है? ये यारू का फेवरेट पनीर पिज्जा। और ये वाला कौन सा? ये वाला तो मेरे को भी नहीं पता। और ये है सिंपल पिज्जा, मतलब नॉर्मल पिज्जा। ये तो मेरे अभी जी पिज्जा पार्टी ईशु की वजह से। चलिए जी और साथ में कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के बिना पिज्जा। चलिए टेस्ट करें, बताएं किसका कैसा है। यम्मी है। और वो पहले पता चल गई, मेरा सबसे अच्छा है। हेलो एवरीवन, तो आप सबको हम सब की तरफ से छिब्बर परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और कितना अच्छा लग रहा है ना, भाभी व्लॉगिंग कर रही है, भाभी ने पकड़ा हुआ कैमरा और मैं आराम से खड़ी हूँ, नहीं तो आगे मैं होती हूँ और मैं ही पकड़ पकड़ के चलती हूँ। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, आज तो थोड़ी लंबी बातें करेंगे। हाँ हाँ करो करो, शुरू करो अंताक्षरी, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो जी आप देख सकते हो हमारे प्रभु जी है और हमने आज अपने मंदिर का जो है सौंदर्यकरण करना है, है ना भाभी? बिल्कुल, दिवाली है तो थोड़ा सा तो भगवान जी। तो ये सारी सेवा कौन करेगा भाभी? मिलकर करेंगे हम दोनों। अरे नहीं भाभी मैं ऊपर का बहुत काम करके आई हूं, मैंने नीचे का कोई काम नहीं किया। नीचे तो भाभी मेड लगी हुई है, तो मेरे को मेरी भाभी ने मेड भी नहीं लगवा के दी, सारा काम ननंद करती है। कल से मेड ऊपर ले जाओ, कोई ना मेड ऊपर ले जाओ, मैं कर लूंगी। वो भाभी की करेगी, ननंद का नहीं करेगी। ना ना मेड को मैं बोल दूंगी भाभी का छोड़ दे, तू ऊपर जाके कर। क्या बात है भाभी, ब्लॉगिंग में तो कुछ ज्यादा धीरे धीरे दिखा रहे हो आप। भाभी वैसे ही दरिया दिल है बहुत ज्यादा। भाई देखो इतना काम करके आई हूँ मैं, आप भाभी मंदिर करेगी। हाँ मैं कर लूंगी, मैं वैसे ही मैं ही करती हूँ। ब्लॉगिंग मैंने ही करनी, कैमरा मैन तो मैंने ही रहना है।
तो और थोड़ा बहुत जो इंटीरियर है वो हम आपस में डिसाइड करके कैसे क्या करना है। तो जी आप ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि मेरा हाथ अब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है फोन को पकड़े पकड़े। हमारा तो भाई करता ही नहीं जी, आपको आदत हो चुकी है, आप प्रोफेशनल हो चुके हो। फिर अब मंदिर का जो सौंदर्यकरण है, मंदिर का मेकओवर जो है, वो हम अपने मंदिर का स्टार्ट करते हैं। चलो जी, ये हमारा मंदिर है और कुछ इसमें जो फोटोग्राफ्स लगी हुई है ना, ये जो शेरा वाली माता की फोटो है, ये तो मुझे याद है, मैं बचपन में छोटी सी थी तब से आई हमारे पास। और हमने घर भी बदल लिया, लेकिन भगवान जो है, ज़्यादातर मूर्तियाँ वगैरह जो भी हैं वो हमारी पुरानी वाली ही चल रही हैं। तो जी आज हम थोड़ा सा मंदिर का मेकओवर करते हैं। चलिए जी, बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा मंदिर तैयार हो गया है हमारे अथक प्रयासों के द्वारा। और ये मैं लड़ियाँ लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रही हैं लड़ियाँ। तो हम ले आए थे, हम क्लिप लाने भूल गए थे, तो कुछ थे हमारे पास, हमने लगा लिए। और देखो जी, सारे जो फोटो हैं भगवान की वो भी मैं लेके आई थी। और कुछ क्लिप जो है हमने अभी खरीदे हैं यहाँ से, और वो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। हम कोशिश कर रहे हैं, देखो एक लड़ी फिर गिर गई है नीचे। तो बाकी मंदिर जो है वो मेरा बहुत सुंदर लग रहा है। जी टाइम हो गया है पूजा का, और हमारे घर की लक्ष्मी बैठ गई है पूजा के लिए तैयार होकर, और हमारा जानू भी बैठ गया। जानी जानी रेडी, भैया भाई साहब भी रेडी हैं। और आप देख सकते हो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सारा क्रेडिट जो है वो मुझे ही जाना चाहिए, नहीं भाभी? हाँ बस इसी ने कर, मैं तो ऐसे ही बस दिखूंगी वीडियो में, तो कुछ करा ही नहीं है। सामान उठाने गई थी मैं, हाँ मैं सिर्फ सामान उठाने गई थी साथ में, और यहाँ भी बस मैंने क्लिप्स पकड़ाए थे, और मैंने सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। और क्लिप्स खत्म हो गए थे, और वो बाजार से लेने में गया था दोबारा से शाम पर को। क्रेडिट सारा क्रेडिट इसको ही है, हिमा को चाहते हैं। इतना सुंदर जो मंदिर लग रहा है, जो इसका इंटीरियर हुआ है, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि काता, ओम जय लक्ष्मी माता संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी भुजा अष्ट अतिशोभित करव गगनधारी, मैया भरत खगनधारी मन वांछित फल पावत सेवत। तो जी मम्मी अब भोग लगा रही हैं, पूजा जो है अब हमारी समाप्त हो गई है। तो जी दिवाली की पूजा हो गई है, और हमारे घर में एक और रिचुअल है। तो अब जो है हम इसको हम गैम्बल तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये भी एक हमारा रिचुअल है। तो हम अब जो है दो बाजी रवि की खेलते हैं। तीन पत्ती जिसके पास बड़ा पत्ता आया वो जीत गया। जिसके पास सबसे बड़ा पत्ता आएगा वो जीत जाएगा। तो हम 100 रुपीज की बाजी लगाते हैं, जितने भी हम घर में सारे हैं, और हम दो बारी खेलते हैं। और 4-5 साल से मेरा ना कितना गंदा चल रहा है, मैं हमेशा हार जाता हूं। मैं एक राउंड में जरूर जीतता हूं, और मम्मी भाभी नहीं, मैं स्टार्टिंग में जीतती थी, 8-10 साल तो मैं जीती हूं, अपनी जीतती हूं। मेरे को याद है पैसों पे आधी जीतती थी। आज हम देखते हैं कौन जीतेगा। आरू बुआ जीतेगी? नहीं मैं नहीं, और नहीं आरू खेल रहा पापा के बदले, पापा ने इसको बोल दिया। पापा कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, तो पापा ने अपना जो प्लेयर है वो आरू को बनाया। मुझे अच्छे पत्ते देना, मुझे देना। माता रानी मेरे को सबसे अच्छे पत्ते दे, मुझे देना। मतलब माता रानी को इस चीज की याद कर रहे हैं भाई, माता रानी को तो हम कुछ भी काम करें हर जगह याद करते हैं। चलो चलो फटाफट दिखाओ अपने पत्ते। बोले मम्मी नाच रही है, पत्ते दिखाओ क्या है, 5-6-7। चलो ठीक है, मिसेज छिपर उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, याद मैडम बहुत बड़ा हाथ मारा है। जानू आशीर्वाद ये मेरा, दीदी जी आशीर्वाद दे दे, दीदी जी।
सारे देखो जीतने के लिए कैसे कैसे टोने टोट के हाथ मारे हैं। हाँ पहले पापा के, रुक जा आराम से, क्या है बोलो। दुक्की इक्का और अट्ठी। चलो ठीक है, अब अपने खोलो, मेरे खोल दे। इक्का अब एक जे और आठ। ठीक है अभी देख लो, मैं जीतता हूँ। अब खोलो मैडम, खोलो मैं लास्ट। अरे कोई भी खोलो यार, दो छक्के दिखा और बादशाह। चल दो छक्के हैं, तुम दिखाओ मम्मी। कौन जीता? कलर नहीं, नहीं, नहीं बची, कलर तुम दिखाओ। मैं ही जीती। कलर तो नहीं है? नहीं नहीं, और ये जीती है हमारी शाली छिबर का ब्लॉगर। तो जी एक राउंड जीती मैडम। क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ? मुझे कुछ पैसा मिलेगा? मेरा बराबर मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम लोग तीन लोग हारे हैं। हाँ। पापा मैं और मम्मी, 100-100 रुपए दोनों को देंगे। जल्दी जल्दी दो, चार लोग आशीर्वाद को हम हो गए बच्चों का। तो जी लक्ष्मी मैया की हम पे कृपा हो गई है। बेटा के पास है, बहुत सालों बाद जीत ली। जीतते मुझे याद भी नहीं है, मैं लास्ट टाइम कब जीती। मम्मी और मैं जीतते थे, इस बार उल्टा हो गया। मेरे आरू के लिए, ठीक है? आरू अपनी अपने पिगी बैग में डालेगा। आरू ने सबके छीन लिए। तो जी दिए की जो थाल है वो तैयार हो गई है। अब भाभी और मम्मी बाहर जो है सबसे पहले तुलसी पे दिया रखेंगे। तो भाभी जो है तुलसी पे सबसे पहले जो दिया है वो रख रही है। भाभी जी नमस्ते। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। तो जी भाभी जो है घर के बाहर दिए रख रही हैं। और एक फटाफट आपको अपनी गली का लुक दिखाती हूँ मैं। लाइट लगी हुई है, नीचे से तो उतना नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर से ज़्यादा दिखाई देगा। तो बस और ये मेरे ने बस की लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही है। तो जी भाभी मेरी दिवाली पे गरम गरम पूड़ी बना रही है। अरे वाह भाभी, आज तो फूल रही हैं आपकी पूड़ियाँ। मेरी हमेशा ही फूलती है। क्या बात है जी, पूड़ियाँ ये तो देखो जी, हमारी सोहनी सोहनी पूड़ियाँ तो साड़ी सोहनी सोहनी भाभी। आज हमारे घर में बना है भाभी, कौन सा पनीर है ये? पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, और साथ में बनी है चापे, और दिन में बनी थी आलू गोभी, और चापे बहुत टेस्टी बनाई है भाभी ने। तो जी छत पे भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, दिवाली वाला माहौल है, और जगह जगह पटाखे चल रहे हैं, और बहुत साउंड आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाभी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी बिल्कुल, मेरे को तो बहुत शौक है पटाखे चलाने का। मैंने आज तक लाइफ में नहीं जलाए, और मैंने अपनी लाइफ में इतने पटाखे जलाए हैं, इतने जलाए हैं मैं बता नहीं सकती। इस टाइम रात के तकरीबन 10 बजे होंगे, और ये फर्स्ट टाइम है मैं 9 बजे तक सो जाती हूँ। मैंने आज तक कोई पटाखा नहीं चलाया, मुझे बहुत डर लगता है। भाभी सारे चला लेती है। मैंने वो फूल झड़ी चलाई है बस, उसके अलावा लाइफ में कोई पटाखा नहीं चलाया। लोगों के घरों की लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, लोगों ने बहुत अच्छी लाइटिंग करी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी दिवाली। भाभी जो है फूल झड़ियां जलाते हुए। भाभी आराम आराम, देखो मम्मा के पास आराम, सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आरू, हैप्पी दिवाली। भागना नहीं बेटा लेके, आरू इधर आ जाओ। और ये मम्मा बेटे फूल झड़ी को एंजॉय करते हुए। तो बस जी आज के दिवाली के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, और हमारे चीपर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, बाय।